आजकल आप लोग देख रहे होंगे, चंडीगढ़ को लेकर काफी विवाद बना हुआ है और इस पर आप देखेंगे पंजाब अपना दावा कर रहा है, हरियाणा अपना दावा कर रहा है। इसके बाद आप देखिए कि हिमाचल प्रदेश भी चंडीगढ़ को लेकर अपना दावा पेश करने लगा है। तो बड़ा विवाद का एक तरह से केंद्र बिंदु बना हुआ है चंडीगढ़। और आपको बता दूं कि चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। अगर आप लोग मैप में देखेंगे तो आपको चंडीगढ़ यहाँ देखने को मिलेगा, और एक तरफ आप देखेंगे आपका हिमाचल प्रदेश है और पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है और आपका हरियाणा है। देखिए, पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, लेकिन आप देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश भी कह रहा है कि हमारा हिस्सा है। देखिए, परेशानी तब होती है, दो राज्यों में तनातनी तब होती है, विवाद तब खड़ा होता है, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, जब दोनों राज्यों में अलग अलग पार्टी की सत्ता होती है। आप सभी जान रहे हैं कि हरियाणा में बीजेपी की सत्ता है और आप देखते हैं कि जो पंजाब है यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार आ चुकी है, भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो विवाद में इसलिए आ चुका है कि अभी हाल ही में क्या हुआ कि जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने चंडीगढ़ को पंजाब में मिलाने का प्रस्ताव पेश किया हुआ है, और इसके बाद आप देखेंगे चंडीगढ़ पर हरियाणा भी अपना दावा करता है। और ये कोई पहली बार प्रस्ताव नहीं आया है, ये पहली बार 18 मई 1967 को लाया गया था। इसके बाद आप देखेंगे 19 मई 1970 में आया, 7 सितंबर 1978 को भी प्रस्ताव आया, 31 अक्टूबर 1985 को ये प्रस्ताव आया, 6 मार्च 1986 को भी ये प्रस्ताव आया, और 23 दिसंबर 2014 को भी ये लाया गया था। 1 अप्रैल 2022 में नए मुख्यमंत्री भगवंत मान संकल्प लेकर आए हुए हैं। और आपके मन में ये सवाल रहता है कि चंडीगढ़ आखिर इसका इतिहास क्या है, और आप देखेंगे कि कैसे चंडीगढ़ बना, कैसे इसे राजधानी बनाया गया पंजाब की, फिर कैसे इसे हरियाणा की राजधानी बनाया गया, इस पर पंजाब का क्या रुख है, हरियाणा का क्या रुख है, इन सब के बारे में जानने की हम लोग कोशिश करते हैं। एक बार पहले आप लोग पंजाब और हरियाणा के बारे में जान लीजिए। ये आपका चंडीगढ़ आपको दिखाई भी दे रहा है और आप देखते हैं कि चंडिका दुर्गा का नाम सुने हैं आप लोग, उन्हीं के नाम पर पड़ा है इसका चंडीगढ़। और अगर हम लोग हरियाणा के बारे में बात करें, किसके हरियाणा के बारे में बात करें, तो आप देखिए कि इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। क्या है? चंडीगढ़ है इसकी राजधानी। और यहाँ आप देखेंगे तो विधानसभा सीटें आपकी 90 हैं, राज्यसभा सीटें 5 हैं, लोकसभा सीटें आपकी 10 हैं। वहीं अगर हम लोग पंजाब की बात करें, पंजाब में तो अभी हाल ही में चुनाव भी आपके हुए थे। क्या हुए थे? चुनाव भी हुए थे। तो अगर हम लोग पंजाब को लेकर बात करें तो इसकी राजधानी भी चंडीगढ़ है और यहाँ के मुख्यमंत्री अभी भगवंत मान बनाए गए हैं। और यहाँ देखिए तो विधानसभा में 117 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं और राज्यसभा में 7 सीटें हैं। ठीक है, तो एक जानकारी आप लोग अपने पास राज्यों के बारे में रखा करिएगा। जब भी कोई राज्य चर्चा में रहता है तो उनसे क्वेश्चंस पूछे जाने की आपकी परीक्षाओं में ज्यादा संभावना होती है। तो अगर हम लोग चंडीगढ़ के पुरानी इतिहास की बात करें तो इस शहर का नामकरण दुर्गा के एक रूप में चंडिका के कारण हुआ है। चंडिका मंदिर आज भी इस शहर का की धार्मिक पहचान है और इस शहर के निर्माण में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी रुचि की भी रुचि रही है। अगर आपसे क्वेश्चंस कभी पूछता है, कोई सामान्य जानकारी के लिए पूछता है कि बताइए चंडीगढ़ का नाम चंडीगढ़ कैसे पड़ा, तो आप लोगों को बता देना है कि ये यहाँ एक चंडी का मंदिर है और वहां उसी देवी के नाम पर चंडीगढ़ इसका नाम पड़ा हुआ है। शहर को फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बुजियर की डिजाइन पर विकसित किया गया है, इनका नाम भी याद रखिएगा। इसके अलावा आर्किटेक्चर फेरे जे इन्नेरेट और मैथ्यू नोवी की अल्बर्ट मेयर के बहुत से अद्भुत वास्तु नमूने शहर में देखे जा सकते हैं और इससे स्वतंत्र भारत की पहली
स्मार्ट सिटी भी कह सकते हैं। और आप लोगों में से कई लोगों का दिलचस्पी भी रहती होगी कि हमें चंडीगढ़ घूम के आना चाहिए, तो आप लोग जाइए, घूम के आइए, देख के आइए। यह ऐसे देश में सबसे अधिक पिति व्यक्ति आय में से एक है और 15 जुलाई 2007 को चंडीगढ़ प्रथम भारतीय गैर धूमपान क्षेत्र घोषित किया गया था। अब आपके मन में दूसरा सवाल ये भी रहता है कि चंडीगढ़ कैसे बनी राजधानी? तो 1947 तक आप सभी जानते हैं कि भारत पाकिस्तान एक हुआ करते थे। जो आप पाकिस्तान देखते हैं ना और बांग्लादेश देखते हैं ना, ये पहले भारत का हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन 1947 में आप देखते हैं कि पाकिस्तान अलग हो जाता है और पहले पाकिस्तान का हिस्सा ही था बांग्लादेश। लेकिन 1971 में आप सभी को मालूम है कि हमारा भारत का और पाकिस्तान का युद्ध होता है और नया देश उभर के आता है, बांग्लादेश। बांग्लादेश आजाद हो जाता है और उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, ठीक है? तो ये भी याद रखिएगा। तो 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है तो पंजाब का काफी हिस्सा पाकिस्तान के हिस्से में चला जाता है। तब पंजाब की राजधानी लाहौर हुआ करती थी और आप सभी जानते हैं कि बंटवारे में लाहौर पाकिस्तान को मिलता है और पंजाब को नई राजधानी चाहिए थी। तमाम मंथन के बाद 1952 में चंडीगढ़ शहर बनाया गया और इसे पंजाब की राजधानी घोषित किया गया। तो 1952 में पहली बार पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ को बनाया गया था। और चंडीगढ़ को लेकर विवाद की बात करें तो साल 1966 में पंजाब से अलग कर 1 नवंबर को हरियाणा राज्य बनाया गया और 2 साल पहले हरियाणा के स्थापना दिवस के मौके पर हरियाणा के वर्तमान उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर छोड़कर हरियाणा और पंजाब अपनी अलग अलग राजधानी बनाना चाहिए। हाईकोर्ट की बेंच भी दोनों राज्यों में होनी चाहिए। और दुष्यंत चौटाला का यह बयान इसलिए खास था क्योंकि पंजाब हमेशा चंडीगढ़ पर हरियाणा के दावे को नकारता रहा है और हरियाणा की ओर से भी समय समय पर पलटवार किया गया है। और क्यों बनाया गया चंडीगढ़, क्यों बनाया गया था चंडीगढ़? देश के समृद्ध शहर की रूप में पिछले चंडीगढ़ को लाहौर के तर्ज पर शहर के तौर पर विकसित किया गया। और विभाजन से पहले पंजाब की राजधानी लाहौर हुआ करती थी। विभाजन के बाद आपको बता चुका हूं कि लाहौर हिस्से में चला जाता है और उसके बाद चंडीगढ़ को इसकी राजधानी बनाया जाता है। ऐसे इसके बाद साल 1952 से लेकर 1966 तक यहाँ कोई समस्या नहीं हुई। लेकिन 1966 में जब पंजाब से हरियाणा को अलग कर दिया जाता है तो इसकी राजधानी भी चंडीगढ़ बनाई गई। वहीं से विवाद होना शुरू होता है और 1966 के पहले देखिए कोई विवाद नहीं था क्योंकि आप देखिए अकेला पंजाब था और उसकी राजधानी चंडीगढ़ थी, तो किसी के बीच ये विभाजन की बात ही नहीं होती थी कि कोई अपना दावा ही नहीं ठोकता था। लेकिन जब हरियाणा आया और हरियाणा अपना दावा करने लगा और पंजाब अपना दावा करने लगा, यहां से विवाद खड़ा होना शुरू होता है। और चंडीगढ़ को दोनों राज्यों की राजधानी क्यों बनाया गया था? जब हरियाणा अलग राज्य बना तो संसाधनों के हिसाब से चंडीगढ़ ही वह शहर था जो किसी नए राज्य की राजधानी बन सकता था और यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था का पूरा ढांचा मौजूद था क्योंकि पहले से ही पंजाब की राजधानी थी। और इसलिए चंडीगढ़ को ही पंजाब और हरियाणा की दोनों की राजधानी बनाने के रूप में इस्तेमाल करने पर सहमति बनी और पंजाब राज्य को यहाँ के संसाधनों का 60% हिस्सा मिला और जबकि हरियाणा को 40% मिला। साथ ही एक केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर यहाँ के लिए नियंत्रण भी बनाया गया है और इसीलिए आप जानते हैं कि अभी केंद्र शासित प्रदेश भी है। अगर हम लोग पंजाब के पक्ष की बात करें, पंजाब क्या कहता है चंडीगढ़ को लेकर? हरियाणा के अलग बनने पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा था कि कुछ समय के लिए ही चंडीगढ़ साझा राजधानी रहेगी और बाद में पंजाब को वापस दे दी जाएगी। और 29 जनवरी 1970 के एक दशक के आधार पर इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में कहा गया कि इस बारे में हरियाणा को लिखित तौर पर सूचना देते हुए कहा गया था कि दो राज्यों के दावे के चलते चंडीगढ़ का कैपिटल प्रोजेक्ट एरिया पूरी तरह पंजाब के खाते में जाएगा। और फिर लंबे समय के बाद 1985 में राजीव लोंगोवाल समझौते के अनुसार चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। पर 26 जनवरी 1986 को राजीव गांधी सरकार ने अचानक अपने हाथ खींच लिए और पीछे खींच लिए और चंडीगढ़ के पंजाब के पास जाने की पूरी कवायद पूरी नहीं हो पाई। तो राजीव गांधी के समय अगर ये पूरी कवायद हो जाती तो ये पंजाब को मिल जाता। ये पंजाब का रूख है, पंजाब कह रहा है कि ये इस तरह का प्रक्रिया पहले भी चलाई गई। और इंदिरा गांधी ने कहा था कि जब
ये कुछ समय के लिए हरियाणा की राजधानी बनाया जा रहा है, उसके बाद वापस कर देंगे किसे हरियाणा पंजाब को। और हरियाणा क्या कह रहा है, हरियाणा कह रहा है कि हरियाणा को राज्य बनने के समय नई राजधानी बनाने के लिए 5 वर्ष का समय दिया गया था, और नई राजधानी के लिए केंद्र ने 10 करोड़ रुपए का अनुदान और इतनी ही राशि लोन के रूप में देने का प्रस्ताव भी दिया था। उसके बाद यह भी कवायद की गई कि चंडीगढ़ को दोनों राज्यों के बीच आधा आधा बांट दिया जाए, पर यह भी कोशिश जमीनी स्तर पर अमल में नहीं ला सकता और लाया जा सकता, और जिसका परिणाम यह हुआ कि चंडीगढ़ को लेकर देश के भीतर ही सीमा विवाद पैदा हो गया, जहां दो राज्य अधिकार जमाने के लिए समय समय पर आमने सामने हो जाते हैं। साल 2018 में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ के विकास के लिए एक विशेष बॉडी बनाई, तो पंजाब के मुख्यमंत्री ने इसे यह कहकर खारिज कर दिया कि चंडीगढ़ अविवादित रूप से पंजाब का हिस्सा है। दूसरी तरफ चंडीगढ़ का विधानसभा भवन भी पंजाब के ही अधिकार क्षेत्र में है, और हरियाणा विधानसभा में भवन में अपने लिए 20 कमरों की मांग लंबे समय से करता आ रहा है। अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने चंडीगढ़ पर विधानसभा प्रस्ताव पारित कर इस विवाद को नया मोड़ दे दिया, और आने वाले समय में चंडीगढ़ को लेकर हम पंजाब हरियाणा व केंद्र सरकार के बीच और भी जुबानी जंग की उम्मीद करेंगे और देखेंगे भी आप लोग, पर इसका सबका समाधान क्या होगा उस पर विचार किए जाने की जरूरत है। और आप देखिए कि इस तरह का जितने भी राज्यों में सीमा विवाद है उन्हें आराम से हमें बैठकर सुलझा लेना चाहिए, क्योंकि अगर देश से किसी बाहरी देश से सीमा विवाद है तो वो चलता है, लेकिन आप सोचिए कि हमारे ही आपसी देश अब आपसी राज्य अगर लड़ रहे हैं तो आप सोचिए कि क्या असर जाता है हमारी बाकी दुनिया पर। तो मुझे लगता है कि बैठकर प्रधानमंत्री सबको एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए और जो भी बात हो साफ हो जानी चाहिए। तो यही कहानी रही है चंडीगढ़ को लेकर विवाद की, ठीक है, एक सामान्य जानकारी अपने पास रखिएगा, हो सकता है कि आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछ ले आपसे।